शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना घोड़े पे जो बैठा होता है घुड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं, वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है। और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो, तो आपको जिता। अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए एक टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, अरे भाई तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता उतना ही तुम जानते हो, बल्कि ये जो गांव के लड़के हैं ये ज़्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं, किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं, स्टूडेंट्स की सफलता में 3 चीज़ का योगदान होता है। एक उनके गार्जियन का योगदान होता है, गार्जियन को भी हर पल उसको डर बना के रखना चाहिए कि भैया तुम पढ़ो इसको। दूसरा टीचर्स का होना चाहिए, टीचर्स उसके अंदर फ्रेंडली होने चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए, और खुद स्टूडेंट्स का। अगर ये तीनों का संयोग हो गया ना, तो दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे जीता नहीं जा। जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का इस एनर्जी के साथ स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा, और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बशर्ते टीचर्स उस माहौल में देखा हो। देखिए पढ़ाई के 2 चीज़ें होती हैं, एक टीचर जो होता है ना वो तो पढ़ लिया, उसका लेवल बहुत ऊपर है, और जो स्टूडेंट है ना वो तो अभी शुरुआत कर रहा, तो उसका लेवल बहुत नीचे है। बड़ा अंतर होता है ना ये 2 चीज़ों में समन्वय बनाना, जैसे सुई में धागा डालना, दोनों को एक लाइनर होना जरूरी है तो ही जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना, उसके लिए आसान है टीचर को कि भाई जो समझा रहा है बड़े लैंग्वेज में उसको देहाती लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाए, अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे। और लड़के का भी ये कर्तव्य बनता है, माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि उसको हमेशा प्रेरित करेंगे, थोड़ा सा तुम घर से थोड़ा सा मेहनत करके आओ इसमें, ये सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं, जैसे ये हो जाएगा फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो टीचर स्टूडेंट दोनों की ओर से होना चाहिए इस चीज़ को, लेकिन टीचर को समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीचर को टीचर समझ रहा है। लेकिन अगर टीचर को जिस दिन वो दोस्त समझने लगेगा ना, वो सवाल पूछेगा, और अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, 130 करोड़ जनसंख्या में आप एक मानव संसाधन को खराब कर रहे हैं अपने विद्यालय में बैठा के, वो सवाल नहीं पूछा तो क्या करें। मेरे लाइफ का एक ही प्लान है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स ये इस देश को बदल सकते हैं। आज़ादी से पहले अगर आप गौर कीजिएगा ना, तो देश को बदला था वकीलों ने मिलकर, आप चाहे वो महात्मा गांधी को उठाइए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या भीमराव अम्बेडकर साहब, सरदार पटेल, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो ज़्यादातर लोगों ने वकील थे वो उस वक्त में। लेकिन अभी की जो दौर है वो युवाओं के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में, अब युवा अपने अधिकार के लिए लड़ की आप दबिए नहीं, आप दबेंगे तो दबाएंगे, और आप पढ़े लिखे होकर दब जाएंगे तो फिर एक अनपढ़ को तो कुचल दिया जाएगा, उसको दबाया ही नहीं जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स जाग गया है, अब स्टूडेंट्स को कोई नहीं रोक सकता, आगे वाले देश का भविष्य वही है। और हमारे कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या। स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो आपको क्या लगता है उसको कितना नॉलेज मिलेगा, वो 1 घंटा बैठेगा तो 1 घंटा में कितना नॉलेज गेन कर पाएगा। तो वहाँ एक कॉलेज के मैनेजमेंट की भी गलती है, और स्टूडेंट्स में भी है कि भाई देखिए आप कॉलेज नहीं जाइएगा तो फिर स्कूल और कॉलेज जो होता है ना, माँ का दूध होता है, और ये सबके लिए ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी है, वहाँ उनको भी समझना पड़ेगा, और गार्जियन के भी अंदर भी एक नैतिकता आनी चाहिए। और स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, उनके अंदर इच्छा है कि हमें कुछ करना है, उनके अंदर शौक है कि हमें नौकरी पाना है, पढ़ाई करना है, लेकिन उनके अंदर डर नहीं है, और ये डर बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए ना डर, ज़रूरत और इंसानियत, ये बना रहना ज़रूरी है। तो टीचर के अंदर इंसानियत होना चाहिए कि भैया हमें लड़कों को पढ़ाना है, लड़के के अंदर ज़रूरत है कि अगर हम पढ़ाई नहीं लिखे पढ़े लिखेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और डर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके जॉब की या किसी चीज़ का, डर तो होना ज़रूरी है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो समाज में हमको एकदम पीछे कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट के अंदर ना अभी डर नहीं रह रहा है, कह रहा है अरे क्या दिक्कत है, अगली बार फिर भर देंगे फॉर्म, फिर कर देंगे, ये कर देंगे। और गार्जियन भी नहीं पूछता है उससे कि इस साल रिजल्ट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लड़का एग्ज़ाम देने जाता है ना तो उसको
पता चल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, और ये रियलिटी है। अगर आप वेट कर रहे हैं ना तो समझ जाइए कि आपकी संभावना कम है रिजल्ट होने की, क्योंकि जिनका रिजल्ट होता है वो एग्जामिनेशन हॉल में समझ जाते हैं, और जब लड़का फेल होता है ना तो एक बहाना खोजने लगता है, ये प्रॉब्लम था, तब ये ठीक नहीं थी, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, जबकि ऐसा चीज़ नहीं है। आप शुरुआत से ही गलती करते आ रहे हैं। ये लड़कों की भी भावना है, उनको भी अपने चेंज करना चाहिए इस सोच को। ये भी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा, वो तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं, हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा आना था आश्रम या ऐसे चीज़ों पे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा हम गरीब हैं कुछ नहीं कर सकते, ये सब अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाए। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बोला कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी आ जाए कि स्टूडेंट की तरह ही, और एकदम मिनिमम भाषा मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा। जहाँ तक बात कहें ना कि CBSE बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज़्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है, उसके पास पसीना होता है ना तो AC नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहाँ पर, उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पढ़ता है सुबह उठ के। तो ऐसा नहीं है उनके पास मेहनत नहीं, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा कमी क्या है कि आज से 5 साल पहले उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उन्हें अच्छे टीचर मिल सके, अब तो डिजिटली हो गया। ये सबसे फायदा हुआ है गाँव वालों के लिए कि आप डिजिटल, आप गाँव के किसी कोना में बैठ के इंडिया के किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। और अमीरों को यहाँ पहले बेनिफिट मिलता था कि जो गाँव का लड़का है, बिहार का है, यूपी का है, उड़ीसा का है, गाँव का परिवार, वो दिल्ली जाके कैसे पढ़ेगा, अब कोई दिक्कत नहीं। आप एक नॉर्मल मोबाइल लीजिए गांव से, इतना बड़ा है, आप 135 करोड़ आबादी में आपको चेंजिंग देखने में बड़ा समय लग जाएगा इसमें, लेकिन हाँ चेंजिंग आई है, लेकिन इसका भी सदुपयोग करना पड़ेगा। अब आप देखिए कुछ लोग फेसबुक पे उल्टे सीधे पोस्ट कर देते हैं, समाज में सौहार्द बिगाड़ते हैं, तो ये लोग तो उसका डिजिटल क्रांति के लिए तो आप समझिए तो गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए, तो ये उन लोग के लिए ऐसा नहीं है। बट स्टूडेंट्स अभी भी जागरूक है, लेकिन वो बहक जाता है पढ़ने के लिए, यूट्यूब फेसबुक में गायब हो जाता है, ये उनको अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा।